हर घर की महिलाएं इतनी गर्म है कि देश का नरेंद्र मोदी का जो काला चेहरा, बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा बंडी और जमीन पे काम कुछ नहीं। इस देश का सबसे बड़ा अगर देश का कोई गद्दार है उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तबीर सिंह। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आज डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के जो प्रतिमा है उसके नीचे एक दिवसीय अनशन पर बैठे हुए देख सकते हैं कि जो तमाम जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस तरह से आज वो प्रतिमा जो डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर का प्रतिमा वहां पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे छोटू सिंह से जो बैठे हुए अनशन पर। आप लोग आज अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए क्या है मामला, आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह किया, बड़ी बड़ी बातों किया, धरातल पर कोई काम नहीं किया। आपके भी परिवार, हमारे भी परिवार, देश के परिवार, आज जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके पास ट्रेन में टिकट नहीं है पटना आने के लिए, पटना से बॉम्बे दिल्ली कोटा जाने के लिए पैसा नहीं है, इतना महंगाई हो गया है। सिर्फ बड़ी बड़ी बात, सिलेंडर का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, क्या हो रहा है, कितना बात बनाने का ज़माना है। आज हमारे देश में एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बोलते हैं कम, काम करते हैं ज़्यादा। आज ये बताइए, संसद भवन, राष्ट्रपति, देश की माननीय एक आदिवासी महिला के साथ कितने बड़े देश के में इनके साथ जो किया गया व्यवहार, ये पूरा देश की जनता खासकर महिलाओं में आक्रोश है। चाहे वो कोई महिलाएं हो, घर घर की महिलाएं इतनी गर्म है कि देश का नरेंद्र मोदी का जो काला चेहरा, बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा बंडी और जमीन पर काम कुछ नहीं। इस देश का सबसे बड़ा अगर देश का कोई गद्दार है उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन्होंने जो काम किया 2024 में, जनता बता देगी कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में और बंगाल और महाराष्ट्र में खाता नहीं खुलेगा। और 2024 में जनता उनका जो बड़ी बड़ी बातों का इलाज कर देगा। जिस तरह से बीमार का इलाज होता है उसी तरह से इलाज हो जाएगा। 9 साल बेमिसाल मना रहे हैं बीजेपी वाले, करें 9 साल बहुत अच्छा काम के नरेंद्र मोदी। ये तो अच्छा काम हुआ ना कि सबके घर में 15 लाख मिल गया, सबके घर में गैस सिलेंडर मिल गया, 500 रुपया का गैस सिलेंडर 1200, 50 रुपया का तेल 100 रुपया, यही है महंगाई। चीनी हो, कड़ुआ हो, मैदा हो, सब महंगाई है। नंद किशोर जी क्या कुछ कहिए, आनंद किशोर जी आज आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग यही कह रहे हैं कि देश के साथ आज जो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन करता तो आप देखिए, आज बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी नहीं गए उद्घाटन समारोह में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी नहीं गए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं गए, पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह नहीं गए, केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गए। आप देखिए 11 राज्य का मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए, आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए बिहार नहीं पूरे भारत में इसका आक्रोश है, 41 करोड़ जनता की आक्रोश है। इसलिए सभी लोग को एक ही मांग है कि नरेंद्र मोदी जी को 2024 में सफाया कीजिए। इसी तरह लहर पूरे देख लिए, कर्नाटक में साफ हो गए, इसी तरह पूरा भारत में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है और आने वाला समय नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में एकत्रित लोग हो रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कुमार जी सर्वधर्म संभाव के वाहक हैं, लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी गांधी जी के वाहक हैं। आज अंबेडकर साहब की मूर्ति के पास सिर्फ इसलिए हम लोग बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के संविधान का ही नहीं अपमान कर रहे, 140 करोड़ जनता का अपमान, महिला आदिवासी का अपमान कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रपति बनाने में हमारे नेता नीतीश कुमार जी का भी योगदान है। लेकिन आज जब देश के सर्वोच्च संसद का जब उद्घाटन हो रहा है तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाना देश और संविधान का अपमान है। इस अपमान को हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करे। कुछ कहिएगा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस फोटो से साफ पता चलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है माफी वीर सावरकर नहीं से कहेंगे, हम लोग माफी वीर कहेंगे, जो अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किए थे। और हमारा जो है पार्टी, हमारी जो दल है वो सबको लेके समता की बात करती है, समता मूलक समाज की बात करती है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जो है
भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऊपर से दलित महिला राष्ट्रपति हैं, उनके अपमान की बात कही है तो जनता दल यू जो है भारत के दलित महिला का अपमान नहीं सहेगा और उसके खिलाफ हम लोग धरने पर आज बैठे रहेंगे। क्या कुछ कहिएगा धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस अपमान के विरुद्ध आज सभी विपक्षी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सहित हम लोग आज बैठे हैं। देश में बेरोजगारी का स्थिति देखिए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के सवाल पर कितने लोगों को रोजगार मिला, 9 साल बोलते हैं कि बेमिसाल 18 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला पूरे 9 वर्षों में। क्या किस तरह से महंगाई बढ़ा है, भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया कर्नाटका में, आप इस देखिए। आज इस अनशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक हम लोग सशक्त विपक्ष है और भाजपा मुक्त करना है हम लोग। तो आपने सुना जो तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, छोटू सिंह को भी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 में अब भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल जाएगा और भाजपा मुक्त देश बनेगा। ऐसे तमाम खबरों के साथ नमस्कार।